आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या गिवन हमको इफ द सम ऑफ एन इनफिनिट जीपी इज 7/2 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 147/16 देन द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स सम इज ठीक है तो आपको इनफिनिट जीपी का सम गिवन है 7/2 देखो हमको पता है कि इन्फिनेट जी पी का जो सम होता है अपना एस इन्फिनिटी वो होता है ए अपन वन माइनस आर के इक्वल और ये आपका सेवन बाई टू की वन है तो ये होगी क्वेश्चन नंबर वन और आपका की वन है कि सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स टर्म तो ये जो इन टर्म्स का, का सम सम था काट जीबी के टर्म्स का सम समय था अब इन टर्म का का सम ले रहे हैं तो वो वन फोर्टी सिक्स बाय सेवन है ठीक है तो उसका जो सम होता है ना उसका फॉर्मला होता है ए स्क्र अपन में वन माइनस आर स्क्र वन फोर्टी सेवन अपन सिक्सटीन के ठीक है ये वन आपको ये क्योंकि ये क्या था आपका सम ऑफ स्क्वेयर्स का आपका ठीक है सम था अपना हमने जो टर्म्स थे उनको होल स्क्र कर दिया उन सबका सम, सम निकाला निकालाटम ठीक है सम तो वही होगा ए स्क्वाइनस आर स्क्र ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू है दोनों का डिवाइड कर दो तो ए स्क्र अपॉन देखो ये वन माइनस आर स्क्यर इसको लिख सकता हूँ मैं वन को लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वा माइनस बी स्क्र तो ए प्लस बी इन में ए माइनस बी मल्टीप्लाई में अब डिवाइड करूंगा तो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा मेरा इक्वल टू ए और इधर आएगा वन फोर्टी सेवन अपॉन सिक्सटीन इधर आ जाएगा टू बाई सेवन मल्टीप्लाई में अपना ठीक है तो वन माइनस आर से वन माइनस आर कैंसिल एक ए से स्क्वायर कैंसिल ए अपॉन वन प्लस आर की क्या वैल्यू बचेगी सेवन से कैंसिल होगा ट्वेंटी वन पे ये कैंसिल होगा अपने एट पे ट्वेंटी वन बाई एट ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थ्री अब क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट एंड थर्ड को ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा ए अपन वन प्लस आर में इधर आएगा वन माइनस फार अपन ए इधर ट्वेंटी वन बाई एट इंटू में टू बाय सेवन तो इधर ए से ए कैंसिल एंड वन माइनस आर अपॉन वन प्लस आर क्या वैल्यू आ रहेगी कैंसिल करेंगे रहे थ्री पे इस पे करेंगे हम फोर पे थ्री बाय फोर आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये क्वेश्चन क्या मिल रही है फोर माइनस फोर आर इसी क्वेश्चन थ्री प्लस थ्री आर के इक्वल थ्री को इधर ले जाएंगे तो वन फोर आर इधर आके प्लस हो जाएगा सेवन आर सो यानी सेवन वन बाय सेवन वैल्यू आ गई मेरी आर की ठीक है सोल्व करके आगे यार आ गया मेरा वन बाय सेवन अभी आर की वैल्यू पुट कर दूंगा इस क्वेश्चन नंबर वन से वहां से आपको ये पता लग जाएगा अपना ठीक है सो देखो ए अपॉन वन माइनस वन बाय सेवन ये इक्वल है सेवन बाय टू के तो यहाँ पर इसमें सेम लूंगा तो सिक्स बाय सेवन तो ऊपर आके हो जाएगा सेवन बाय सिक्स टाइम्स ए इज इक्वल टू सेवन बाय टू यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई सोल्व करके थ्री के इक्वल सेवन सेवन कैंसिल होगा सिक्स इधर रहेगा सिक्स अपन टू थ्री ए थ्री आ गया आर की वैल्यू वन बाय सेवन आ गई अब हमको निकालना क्या है हमें निकालना है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स टम तो यानी देखो स्क्वेयर का सम इतना था अब क्यूब्स का टर्म का सम निकालना है तो वो हो जाएगा अपना ए क्यूब अपॉन वन माइनस आर क्यूब आपको इसकी वैल्यू वैल्यूट करनी है ठीक है देखो ए तो थ्री आ गया थ्री का क्यूब आर की वैल्यू वन बाय सेवन आई है वन बाई सेवन का होल क्यूब तो टू थ्री का क्यूब कितना होता है अपना ट्वेंटी सेवन और सेवन का क्यूब होता है थ्री फोर थ्री एल लेंगे तो थ्री फोर टू और थ्री फोर थ्री ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में मेरा इसके साथ में तो अब इससे कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर ठीक है तो नीचे वैल्यू कितनी बचेगी थर्टी एट इसको हम क्या करेंगे सीधा थ्री के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर भी इसको भी करेंगे ठीक है नाइन टेबल से कैंसिल आउट करेंगे और ऊपर कितनी वैल्यू बचेगी मेरी सिंपली थ्री इंटू थ्री फोर थ्री सो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी वन जीरो टू नाइन अपन थर्टी एट ठीक है तो ये हो जाएगा मेरा जो हमने क्यूब्स का टर्म्स का सम निकाला था वन जीरो टू नाइन अपॉन थर्टी एट सो कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर इसका ठीक है ओके थैंक यू फ्रेंड्स क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी आई मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ पर